सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और ये वीडियो मैं अराउंड 15-16 दिन के बाद बना रहा हूँ, बिकॉज उसमें यार मैं बहुत बिजी हो गया था, बिकॉज मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ। सो मतलब ऐसा वीडियो बनाने में टाइम वगैरह नहीं मिला, जो है भाई हम सच बोलते हैं। तो आज का जो अनबॉक्सिंग है, मतलब आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, फिर भी बता देता हूँ। ये है आईफोन 14, जिससे वीडियो शूट हो रहा है वो है 13। अब यार मतलब काफ़ी रूमर्स वगैरह भी, मतलब ऐसे लोग बोल रहे कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसका भी मैं आपको बताऊँ, मतलब स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखो कुछ इसकी ऐसी पैकेजिंग है, ये रहा मतलब पूरा, ये जितनी आपको ऊपर की जो साइज़ दिख रही है ना, एक्चुअल फ़ोन भी उतना ही रहता है। मतलब आईफोन की एक मेरे को अच्छी चीज़ लगती है कि जितना आपको ऊपर साइज़ दिख रही है उतनी फ़ोन है। यहाँ पे आपको मस्त अच्छा सा आपका फ़ोन की पूरी प्रिंट दिखती है, यहाँ पर आईफोन लिखा है, यहाँ पे एप्पल का लोगो है, जिस कलर का फ़ोन होगा उसका ही मतलब प्रॉपर लोगो भी उस कलर का ही है। सो यहाँ पे पहले ओपन करते फिर दिखाता हूँ। वैसे मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, बिकॉज जब आप नया फ़ोन लेते हो पहले आपको चेक वगैरह करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा फ़ोन है, देखो ब्लू कलर है यार, इतना मस्त कलर है ना यार ब्लू, जो 13 की चीज़ में था वो एकदम यू नो डार्क ब्लू था, एकदम स्लाइटली स्काई ब्लू टाइप है। और लेंस भी है ना थोड़ा सा मतलब एक्चुअली बड़ा हुआ है 13 के कंपैरिजन में। मैं आपको एक स्पेशल कंपैरिजन वीडियो भी बना दूंगा। तो देखो ऐसा कुछ साइड में दिखता है, यहाँ पे लोगो है वही टिपिकली, मतलब प्रॉपर जो आईफोन 13 है सेम वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं मतलब फिजिकली। इंटरनली मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। और यही बॉक्स का कंटेंट, आपको वही सस्ते से स्टिकर वगैरह दिख जाते हैं, एक सिम इजेक्टर टूल दिख जाता है। और हाँ, हमें चार्जर भी आपको अलग से बाय करना पड़ता है, मतलब पैसा तो पूरा छाप रहे हैं एप्पल वाले। USB-C 20 वोल्ट का दे रहे अभी भी यार, मतलब पता नहीं यार ये लोग कब यार 20 से ऊपर नहीं आएंगे यार, मतलब इन्होंने रख ही रखा है, फाइनली कर रखा है कि नहीं भाई हम तो 20 वोल्ट ही देंगे, एक्स्ट्रा देंगे नहीं। गरीबों थोड़ा तो आगे बढ़ो यार, लोग इधर 80 वॉट 150 वॉट वहाँ तक जा रहे, पर इनको नहीं हम 20 वॉट ही देंगे, क्या आईफोन वाले थोड़ा तो बढ़ाओ। तो देखो ऐसी कुछ है पैकेजिंग। सो मैं आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ, मतलब इसकी जो ओरिजिनल मतलब प्राइस है MRP। तो देखो बॉक्स पे जो MRP लिखी है वो लिखी है 79,000, मतलब ऑलमोस्ट 80,000, बट हमने इसको बाय किया है 72,000 में। अभी फ्लिपकार्ट पे सेल भी थी अराउंड 67 में मिला था, लेकिन हमने चांस मिस कर लिया, क्या करें। मैं सोच रहा था मतलब 14 में अपडेट कर लूँ, लेकिन मैं एकदम पागल ही होता अगर मैं 14 में अपडेट करूँ। तो ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने लिया। सो यही था देखो यार। तो मैं आपके इंटरनली में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे कि देखो इसमें भी आपको सेम वही चीज़ है, बस इसमें आपको एक 14 में एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे कि सिनेमेटिक मोड है वो आपको 4K 30 तक मिल जाता है, और आपको कैमरे में थोड़ा इंप्रूवमेंट है और एक एक्शन मोड मिल जाता है, बस यही, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये दो चीज़ है। और यार डिस्प्ले वगैरह वही सेम है, 1200 nits वाली या XDR OLED वाली, रेटिना XDR वो डिस्प्ले कौन सी होती है भाई, बस इतनी चीज़ है। और कोई देखो ये ऑनेस्ट रिव्यू था भाई, मैं ऐसा नहीं कि भाई बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, जो है भाई मेरे को कोई, अगर आपके पास 13 है और आप 14 में अपग्रेड करने की सोच रहे हो मत सोचो, आपका पैसा वेस्ट है। और 14 प्रो में भी मतलब इतना कोई मेरे को नहीं लगता कोई स्विच करने का इतना कोई है, ठीक है वो नॉच है एक डायनेमिक आइलैंड वाला, पर ठीक है वो भी इतना कोई खास नहीं है। सो माइट भी अगर 15 की सीरीज है तो उसमें अगर देखते क्या कुछ मेजर अपग्रेड होगा, तो उसमें हम मतलब स्विच कर सकते हो अगर आप मतलब 13 यूज़र हो तो। बाकी 14 में तो कोई इतना मेरे को नहीं लगता कुछ इतना सिर्फ अपग्रेड करने का कोई रहेगा इतना कोई। तो देखो ऐसा ही कुछ था 14 का, तो मैं आपको साइड बाय साइड थोड़ा बहुत दिखा दूंगा क्लिप, और स्पेशली इसका कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कि 13 और 14 में कितना डिफरेंस है, बिकॉज वो मेन होता है। तो ऐसी थी कुछ बॉक्स कंटेंट। सो अभी आप अगली आप जो क्लिप देखोगे वो आईफोन 14 से शूट हुई होगी। सो ये आईफोन 14 से शूट हो रहा है, तो मेरे को तो नहीं लगता कुछ इतना मेजर अपग्रेड है, मतलब वीडियो क्वालिटी भी ऐसा सेम ही है भाई। उनका जो आईफोन का है सेंसर शिफ्ट वाली टेक्नोलॉजी, इसमें कोई OIS नहीं है, मतलब OIS में कैसा होता है आपका पूरा लेंस हिलता है, लेकिन इसमें जो सेंसर है वो बेसिकली वो मूव होता है। तो वो हम कैमरा का एक मैं ना स्पेशल वीडियो बना दूंगा कंपेरिजन का, बहुत बार बोल चुका हूँ, बट जो भी है यार अब यही है मैं बता देता हूँ। सो ऐसा कुछ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो ये चैनल में ना कार के रिलेटेड भी वीडियोज आते हैं और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी वीडियोज आते हैं, तो सब डालूंगा, तो यार मतलब यू नो एक मिक्स बैलेंस रहेगा, मेरे को अच्छा लगता है यार, कार वगैरह भी मेरे को बहुत पसंद है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए।